अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेमरा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा भट्ट और आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम बुशरा का पाकिस्तान में। नाज़रीन, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान अपने ही लगाए वज़ीर-ए-आला पंजाब से नाराज़ हो चुके हैं और साथ ही साथ जो सीनियर सूबाई वज़ीर हैं उनसे भी वो नाराज़ हैं। इस हवाले से उन्होंने पंजाब की ब्यूरोक्रेसी समेत इन सबको इस्लामाबाद में तलब कर लिया है, लेकिन इस नाराज़गी की वजह क्या है मैं भी आपको बता दी चलूँ। बड़े बड़े डेवलपर्स के कहने पर पीटीआई से वाबस्तगी रखने वाले जितने भी रहनुमा थे और उनकी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको टारगेट किया गया है, जिसकी वजह से खान साहब ने नाराज़गी का इजहार किया और इनको इस्लामाबाद में तलब भी कर लिया है। इसके बाद नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज़ शरीफ ने वफाकी कबीना को 3 माह की मुद्दत जो है वो दे दी है कि इस 3 माह के अंदर महंगाई को कंट्रोल किया जाए, अवाम को रिलीफ मुहैया किया जाए। और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि इन ये जो महंगाई को कम करने के प्रोजेक्ट्स हैं इनकी निगरानी मैं खुद करूंगा। और इस हवाले से जो आफत खान चीमा है उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरह बाकी सब ने किया अवाम को सिर्फ महंगाई 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 के चक्की में अवाम पिसती चली गई, क्या ये आकर अवाम को रिलीफ मुहैया करने में कामयाब होते आएंगे बाकियों की तरह सिर्फ और सिर्फ अवाम पर महंगाई का बोझ ही डालते हैं। खैर नाज़रीन, ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान को भरपूर तरीके से जो है वो जीत का सामना रहा है और उन्होंने भरपूर तरीके से इलेक्शन जो है वो जीता है, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान की दाल हमें कहीं पर भी गलती हुई दिखाई नहीं दे रही, जिसकी एक बड़ी वजह है कि वो डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो गए हैं और कभी वो हमें हंसते हुए दिखाई देते हैं तो कभी वो अचानक से रोते हुए दिखाई देते हैं। खैर नाज़रीन, इस वजह से इमरान खान की इन तमाम हरकत और बातों की वजह से जो उनके करीबी दोस्त हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं कि अब करें तो करें क्या। खैर नाज़रीन, केपी के ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई हुकूमत की मदाखलत, इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला केपी के महमूद खान से वजाहत तलब कर लिया है कि क्यों भाई आप क्यों मदाखलत कर रहे हैं। तो एक जगह तो मदाखलत का इतराफ कर लिया गया, लेकिन बाकी जगह ये कहा गया है कि ये हमने कोई मदाखलत नहीं किया, इस तरह का कोई भी सीन नहीं है, मतलब ये तमाम जो है वो इल्जामात हैं। तो भाई ऐसा किस तरह से हो सकता है, अगर एक जगह आपकी कोई चीज़ ऑन रिकॉर्ड आ गई है तो आप उसको इतराफ़ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है एक जगह आप इतराफ़ कर रहे हैं तो बाकी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक जगह मदाखलत हुई है तो इसका मतलब है कि बाकी तमाम जगहों पर भी पीटीआई हुकूमत की मदाखलत रही है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, आपसे मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।